Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 40 and that is Fourier series. Achha, before we start the lecture, if you are new to the channel, do subscribe and like the video. Let's start now. Fourier series, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है. उसको दोबारा से देखते हैं कि फोरियर सीरीज किसको कहते हैं. ए नॉट प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू वन अप टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स. ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, फोरियर सीरीज के लिए, ठीक है. विच कैन बी रिटन एज इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे है. ए नॉट ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस सो ऑन प्लस ए एन कॉस एन एक्स प्लस सो ऑन प्लस बी वन साइन एन एक्स बी टू साइन बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स एंड सो प्लस सो ऑन बी एन साइन एन एक्स, ठीक है. या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वही ए नॉट प्लस ए वन एफ ऑफ एक्स जो है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ही आती है हमारे पास, ठीक है. तो हमने क्या करना है, हमें जो फंक्शन इन्होंने दिया होगा एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन होगा उसको हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. अब हमें यहाँ पे दी हुई है कोफिशिएंट्स, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये जो बी एन है, ठीक है, बी टू है, बी वन है, ये ए एन है, ए टू है, ए वन है और ए नॉट है, ठीक है. ये सारे के सारे क्या हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं. हमें फाइंड क्या करने हैं, हमें ये कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं. कोई भी हमें एफ ऑफ एक्स दिया होगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उसके लिए ये ए नॉट, कैपिटल ए नॉट जो है, ठीक है, ए एन है और बी एन है, ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है. अब इसके लिए हमें फार्मूलाज चाहिए, तो फार्मूलाज जो है यहाँ पे फोरियर कोफिशिएंट्स के फार्मूलाज की डेरिवेशंस भी हुई है, ठीक है. ये ए है जिसमें हमने क्या फाइंड किया, जिसमें हमने ए नॉट के लिए फार्मूला फाइंड किया, ठीक है. उस तरह से ए एन के लिए हमने यहाँ पे ए एन के लिए फाइंड किया, यहाँ पे देखिए ये ए नॉट के लिए फाइंड किया है, और ये जो है ये नेक्स्ट वाला ये बी एन का फार्मूला है, ठीक है. अच्छा, अगर आपको ये डेरिवेशन समझनी है, ये डेरिवेशन यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, और चूंकि मैं ये लेक्चर जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर बेस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये फार्मूलाज और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने सेपरेट लिख ली हैं और वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाना था कि ये कोफिशिएंट्स हमने जो हमारे फोरियर सीरीज़ में जो फार्मूला है उसमें हमें ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये फाइंड करने होते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो ये जो फोरियर सीरीज़ की डेरिवेशंस हैं इस पर बहुत ज़्यादा वो है, ये यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखना होगा. तो अगर आपको इसकी डेरिवेशन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बना के इसमें ये जो सारी डेरिवेशंस हैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी. लेकिन फ़िलहाल इसमें मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं कर रही, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सारे के सारे फार्मूलाज बता रही हूँ जो मैंने अभी ये नोट्स बनाए हैं उसमें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. अच्छा, बट आपको अगर डेरिवेशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डेरिवेशंस के सेपरेट एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, ठीक है. अच्छा, फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा ये ए नॉट के लिए नहीं है, एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ए नॉट प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल्स टू वन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स. ये हमारा जनरल फार्मूला है जिसमें हमने जो भी हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे वो हमने इसमें पुट करनी है, ठीक है. अब ए नॉट का फार्मूला क्या है, वन ओवर पाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस पाए टू पाए. इसी तरह ए एन का फार्मूला है वन ओवर पाए माइनस पाए टू पाए एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स. जब हम एन ए एन फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, कॉस एन एक्स लिखना है, और जब हम बी एन फाइंड करें तो वो है वन ओवर पाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है. तो आप अगर इसमें चेक याद रखना चाहते हैं तो जब हम ए नॉट फाइंड करेंगे तो हमने सिर्फ एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है. जब हम ए एन फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हमने एफ ऑफ एक्स के साथ क्या करना है, कॉस एन एक्स लिखना है, और जब हम बी एन फाइंड करें तो हम एफ ऑफ एक्स के साथ क्या लिखेंगे, साइन एन एक्स लिखेंगे, ठीक है. अब जो हमारा फार्मूला बनता है ए नॉट, हमें तो ए नॉट चाहिए था ना, यहाँ पे तो हमने स्मॉल ए नॉट की बात की हुई है और यहाँ पे हमने कैपिटल ए नॉट की जगह वन और टू ए नॉट लिखा है. ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें हर जगह पे जो बात हो रही है वो देखें वन ओवर पाई की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए नॉट क्या है, ए नॉट जो है कैपिटल ए नॉट हमारा आता है वन ओवर टू पाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई. ये हमारा कैपिटल ए नॉट का फार्मूला है. अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सिमेट्री बनती है कि जो वन ओवर पाए है, ठीक है, ये वाली जो फॉर्म है ना,
ये सारी हमारी सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, 1/2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटू 1/π इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये देखें, अब ये वाली फॉर्म हमने उससे सेपरेट कर ली है, तो इस पूरी की पूरी फॉर्म की जगह हम क्या लिख लेते हैं, हम स्मॉल ए नॉट लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे बता दिया कि स्मॉल ए नॉट किसके इक्वल है, 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल ए नॉट की जगह हमारे पास क्या हो गया, 1/2 ए नॉट। तो यहाँ पे जो हमने ये 1/2 ए नॉट लिखा हुआ ना, ये हमने कैपिटल ए नॉट की वैल्यू लिखी है, ठीक है। और सामने जो फार्मूला है वो तो हमें अभी देखा हुआ है, और इसको फिर हमने एक्सपेंड करना होगा। अच्छा, जो हमने फोरियर सीरीज़ बनाने हैं तो उसके स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए नॉट फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/π इंटीग्रल ऑफ -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, फिर हमने ए एन फाइंड करना है। ए एन में हमारा फार्मूला क्या यूज़ होगा, मैंने क्या कहा था, ए एन जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, कॉस एन एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/π इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एन -π to π। फिर हमने क्या फाइंड करना है, फिर हमने बी एन फाइंड करना है। तो बी एन के लिए हम एफ ऑफ एक्स के साथ क्या लिखेंगे, साइन एन एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई, हमें कोफिशेंट्स फाइंड करने थे। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा, कोफिशेंट्स तो सिर्फ हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो सीरीज़ फाइंड करनी है, सीरीज़ बनानी है। तो हम ये सारे जो कोफिशेंट्स हमने फाइंड किए, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने फोरियर जो सीरीज़ का फार्मूला हमारा है ना, जनरल जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1/2 ए नॉट प्लस सम ऑफ, ये यहाँ पे मैंने एन इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी ये मिस किया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स 1/2 ए नॉट प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल्स 1 अप टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, इसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, और फिर क्या करना है उसमें इस सीरीज को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हो गए। अभी एग्जाम्पल करते हैं, हैंड आउट्स में आप बेशक देख लीजिएगा, वहाँ पे जो हो रहा है मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। यहाँ पे जो फार्मूला से वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसके बाद जो एग्जांपल हो रही है तो अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। एग्जांपल हमारी क्या है, एग्जांपल में हमें सिंपल एक ग्राफ दिया है और हमें कहा है कि इसका हमने क्या करना है, पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। यानी इसकी फोरियर सीरीज़ हमने फाइंड करनी है, और ये वो जो है सीरीज़ को हमें ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अब डायरेक्ट तो हमें फोरियर सीरीज़ पता नहीं लग सकती, तो पहले हमने इसका एफ ऑफ एक्स यानी जो फंक्शन है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब हम एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स का मैंने आपको बताया हुआ था, पहले तो इसकी पीरियड देख लें, पीरियड कितना है, 0 से 2π तक है, ठीक है। तो पीरियड हमारा हो गया 0 to 2π, लिमिट भी हमारी होगी 0 to 2π, क्योंकि देखें ग्राफ के कितने पार्ट्स हैं, एक ही पार्ट है, ठीक है। हमने ग्राफ देखे थे ना, कुछ ऐसा था, फिर ऐसा गया हुआ था, फिर ऐसा था, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, फिर इसके तीन पार्ट्स थे, एक ये वाला पार्ट था, एक ये वाला पार्ट था, और एक ये वाला पार्ट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्राफ के कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे ग्राफ के सिर्फ सिर्फ एक ही पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लिमिट हमारे 0 to 2π है, पीरियड हमारा 2π का है। एफ ऑफ एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, पहले भी बताया था कि जो फार्मूला हमारा है y-y0 = mx-x0, वो वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। राइज बाय रन के लिए हम क्या करते होते हैं, ये वाले हमारे पॉइंट्स हैं, आपको पता है y1-y0 / x1-x0 अगर आप करेंगे तो हमारे पास 1/2 आता है, ठीक है, 1/2 आता है, और एक्स नॉट हमारा 0 है, वाई नॉट भी 0 है, तो ये हो गया y = 1/2x, या फिर y = f(x) = x/2, और हमारी रेंज क्या है, वो है 0 से 2π तक, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। वैसे तो हमें इक्वेशन दी होगी, लेकिन इन केस अगर इक्वेशन नहीं दी हुई, एफ ऑफ एक्स नहीं अवेलेबल है और आपको सिर्फ एक ग्राफ दिया हुआ है, तो पहले तो आपने उसका फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और फंक्शन बहुत गौर से सोच समझ के फाइंड करना है, क्योंकि अगर फंक्शन गलत फाइंड कर लिया तो ज़ाहिर है उसकी जो सीरीज़ आप बनाएंगे वो भी गलत हो जाएंगी, ठीक है। सो इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये तकरीबन हर एक वो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसका निचोड़ है, इसमें तकरीबन सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी यूज़ हुई हैं, ठीक है। नाउ फाइंडिंग ए नॉट ए एन बी एन, सबसे पहले हम ए नॉट फाइंड करते हैं, फार्मूला उसको लिखते हैं 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 1/π एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स ओवर टू है, ठीक है। एक्स ओवर टू को इंटीग्रेट करें तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 तो ऑलरेडी है, नीचे और भी क्या हो जाएगा, दूसरा 2 आ जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर इंटीग्रेट करें ना, तो स्क्वायर भी आ गया, नीचे भी 2 आएगा,
और हमारी जो लिमिट्स है वो है 0 to 2 pi, तो हमने वो लिख ली। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर ओवर 4, ये 4 जो है ये कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले आते हैं, तो ये हो गया 1 ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर 2 पाई ओवर 2। ठीक है, तो ये देखें ये हो गया 2 पाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई। ये देखें कैंसिलेशन हो गई तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाता है, पाई रह जाता है। ठीक है, तो हमारा ए एन ए नॉट किसके इक्वल हो गया, ए नॉट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ए एन फाइंड करना है, तो ये है 1 ओवर पाई इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला में हमने एफ ऑफ एक्स पुट किया, वो क्या है एक्स ओवर 2 है कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक यू है और ये देखें ये वी है, तो हम यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको किस तरह करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने क्या करना है, पहले तो हमने देखना है कि कौन से को हम इंटीग्रेट करें किस फंक्शन को और किसको हमने डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। आपको मैंने एक रूल बताया था एलेट रूल, इफ आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने पढ़े थे लेक्चर 35 में, ठीक है, तो लेक्चर 35 को आप दोबारा देख लें अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पता है या आपको याद नहीं है। ठीक है, तो एलेट रूल के हिसाब से हम यहाँ पे देखें, एक्स हमारा है, एक्स क्या है, एक्स अलजब्रिक है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स अलजब्रिक है, और कॉस क्या है, कॉस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो देखें अलजब्रिक फर्स्ट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो हम फर्स्ट वाले यू को क्या लेंगे, यू हम एक्स को लेंगे, और कॉस को हम क्या लेंगे, कॉस को हम वी ले लेंगे। ठीक है, अब फार्मूला देखें, ये वाला फार्मूला था हमारा, ये क्या था 1 ओवर 2 पाई, तो हमने बाहर लिख लिया, अब ब्रैकेट खोल के एक्स इंटू वी डी एक्स, हमने क्या करना था, जो हमारा वी था उसका हमने क्या लेना था, उसका हमने इंटीग्रल लेना था। तो ये देखें हमारा जो कॉस एन एक्स है उसका हमने इंटीग्रल लिया, तो क्या आता है, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आता है साइन एन एक्स ओवर एन। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एन एक्स है इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं एन आता है नीचे डिवाइड में, ये जो है आपका यू सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है। ठीक है, और आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी थोड़ी बहुत कि यू सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी हो तो आपको थोड़े बहुत उसके रूल्स पता हों और आप उसको डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठगी ना तो आधे घंटे में तो क्या पूरा एक घंटा भी लगेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, सो यहाँ पे तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, माइनस हो गया। ठीक है, ये वाला माइनस आ गया, अब इंटीग्रल यहाँ पे एक इंटीग्रल में हमने क्या करना है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, हमने इसको लिमिट्स दे दी। ठीक है, 0 to 2 pi हमारे दो पार्ट्स हैं तो हमने क्या करना है, दोनों पार्ट को हमने 0 to 2 pi की लिमिट्स दे देनी है। ठीक है, एक माइनस से पहले वाले पार्ट को भी हमने लिमिट दे देनी है और माइनस के बाद वाले पार्ट को भी हमने लिमिट दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 pi हमने एक बार दे दिया, तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमने लिमिट्स नहीं देनी है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स क्या होता है, कॉस एन एक्स, या यहाँ पे आप डायरेक्ट, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट साइन एन एक्स ओवर एन लिख सकते थे। ठीक है, इंटू डी और डी एक्स ऑफ एक्स, तो हमने एक्स का क्या लेना है, यहाँ पे डिफरेंशियल लेना है। ठीक है, तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है एक्स साइन एन एक्स 1 over 2 pi एज इट इज आएगा, एक्स साइन एन एक्स ओवर एन 0 to 2 pi माइनस यहाँ से क्या आ गया, साइन एन एक्स ओवर एन, और ये डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स से क्या आ गया, हमारा एक्स का डिफरेंशियल होता है 1, तो उसकी जगह 1 आ गया डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1 over 2 pi एक्स साइन एन एक्स ओवर एन 0 to 2 pi। ये मैं इसलिए इसको नीचे लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि सारे जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ हम ओपन करें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो ये साइन एन एक्स ओवर एन है, तो ये एन हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इंटीग्रल के बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एन एक्स, ठीक है, ये 1 ओवर एन हम बाहर लेंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स 0 to 2 pi। अच्छा, हमने लेक्चर नंबर 39 में कुछ समरी पढ़ी थी कुछ फंक्शंस की, कुछ इंटीग्रल्स की। ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, 0 to 2 pi हमने पढ़ा था कि माइनस पाए 2 pi अगर हमारे पास होता है साइन एन एक्स डी एक्स तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि फुल एक जो रोटेशन है या एक चक्कर है यानी 360 डिग्री का, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा जो वो है साइन एन एक्स है उसका वो 0 आता है। ठीक है, तो या तो 0 to 2 pi हो, ठीक है, या फिर माइनस पाए 2 pi हो, ठीक है, 2 plus pi हो,
ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ना ये सेम हमें 360 डिग्री का देती हैं, माइनस पाई टू पाई एक जो है ये जो है नीचे वाली माइनस 180 डिग्री की बात हो गई, ठीक है, और ये वाली जो है ये पॉजिटिव साइड वाली 180 डिग्री की बात हो गई, नेगेटिव साइन डिग्री की बात हो गई, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 180 प्लस 180 टोटल 360 आ गया। तो पाए और माइनस पाए और प्लस पाए में क्या फ़र्क है, प्लस पाए वो प्लस डिटर्मिनेंट्स में जो हमारी पाए की वैल्यू आ रही है और माइनस वाली जो नेगेटिव साइड्स पे माइनस की पाए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो माइनस पाए टू प्लस पाए का भी यही मतलब है, लेकिन आता उससे भी 360 डिग्री है, मतलब पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा एक जो माइनस पाए से पाए है उसकी बात हो रही है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर यहाँ पे 0 to 2 pi लिखा हुआ है, इसका मतलब भी है पूरा एक हमारा पीरियड है 0 to 2 pi तक, 360 डिग्री रेडियंस की बात हो रही है 0 to 2 pi तक, ठीक है। तो अगर उसकी बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम इसको कर सकते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने ये 2 pi और 0 की वैल्यूज़ देनी है। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास 0 होगा और फंक्शन में कोई साइन यूज़ हो रहा है या कुछ भी यूज़ हो रहा है, हमेशा 0 की वैल्यू दे कर फिर उसको देखें कि अगर आपने 0 की वैल्यू दी है तो क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो वाला काम नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक रह जाए, ठीक है। सो ये हो गया 1/2 pi x sin n, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 pi लिखेंगे डिवाइडेड बाय n माइनस, अब क्या करना है हमने, x sin n और x की जगह क्या आएगा, 0/n माइनस 1/n, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 pi की बात हो रही है ना, तो 2 pi का कोई भी मल्टीपल होगा उसका हमारा साइन क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 pi का साइन क्या होता है, 0 होता है। 0 से हम अगर वो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 है, अगर 4 को हम 2 pi से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो आंसर है वो आएगा, अगर उसका हम साइन लेंगे तो हमारे पास 0 ही आना है, ठीक है। साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 pi इज़ इक्वल टू 0, ये बात आपने याद रखनी है कि 2 pi के साथ अगर कोई भी मल्टीपल हो और हम उसका साइन लेंगे, साइन फंक्शन लेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से 0 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उससे क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। एन इंटू 0 क्या आता है, 0 आता है, और साइन 0 क्या होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0 - 0 एंड माइनस 1 और n, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब 1/2 pi 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा an क्या हो गया, an इज इक्वल टू 0। अब क्या फाइंड करना है, अब bn फाइंड करना है, वही वाला मेथड हमने करना है। 1/pi इंटीग्रेशन हम लिखेंगे f(x)sin nx dx, और इसी तरह से हमने क्या कर लेना है, वो इलेट रूल के हिसाब से हम क्या लेंगे, x को हम u लेंगे और sin nx को हम क्या लेंगे, sin nx को हम v लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से वही मेथड हमने करना है, 1/2 pi और हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, ये u है, और फिर क्या करना है, हमने इंटीग्रल ऑफ sin x लेना है। फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो sin को जब हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास आता है माइनस cos nx ओवर n, ठीक है। 0 to 2 pi माइनस इंटीग्रल हमने ओपन की 0 to 2 pi ऑफ dx, अंदर क्या है, आपको मैंने कहा था डबल इंटीग्रल यूज़ हो रहा है, तो हम सिर्फ बाहर वाले इंटीग्रल में लिमिट्स लगाएंगे, अंदर वाला हमने सिंपल सॉल्व करना है। साइन एन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, और डी ओ डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ से ओपन हो गई, और अब हम इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, चूँकि हमें सॉल्व करना है, हम पहले करते हैं x cos nx ओवर n, इसको तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें कौन सी चीज़ जो है जिसको हम हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, कांस्टेंट है वो, एक तो ये माइनस साइन है, दूसरा ये n है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम बाहर ले जाते हैं। तो ये देखें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 1 ओवर n हमने बाहर लिख लिया, अंदर हमारे पास क्या रह गया, cos nx रह गया, cos nx dx 0 to 2 pi, ठीक है। अब हमने उसमें पढ़ा था, अब पहले तो हम इसको ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/2 pi, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 pi इंटू कॉस एन, ठीक है। एक्स की जगह भी क्या आ गया, 2 pi आ गया, यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ गया, 2 pi आ गया, डिवाइडेड बाय एन माइनस, अब माइनस करके क्या है, ये देखिए माइनस आ रहा है ना स्टार्ट में, तो ये हो गया माइनस, एक्स की जगह क्या आया, 0 कॉस एन, एक्स की जगह क्या आया, 0, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, 0, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू इधर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। प्लस 1 ओवर n, आपको मैंने बताया अब भी कि 0 to 2 pi जब हम cos nx का इंटीग्रल लेते हैं 0 से 2 pi तक, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0। तो ये भी हो जाएगा 1 ओवर n इंटू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी वैल्यूज आ गई, ये वाली चली गई,
अब आप देखें कि 2 पाई का कोई भी मल्टीपल होगा और उसका हम कॉस लेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ये आपका आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कोई भी अगर n इंटू 2 पाई हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो और वो क्या है, वो 2 पाई का मल्टीपल है तो उसका साइन आता है 0। साइन क्या आता है उसका? 0। और उसका कॉस क्या आएगा? कॉस आएगा 1। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अच्छा, तो ये हो गया कॉस एन एक्स टू एक्स, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये हो गया माइनस 2 पाई, यहाँ की जगह हमने 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय एन, और प्लस यहाँ से हमारा 0 आ गया। प्लस भी क्यों लिखा? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस यहाँ से 1 और एन इंटू 0, इससे क्या आ गया? इससे भी हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है? 1 ओवर 2 पाई इंटू माइनस 2 पाई ओवर एन। अभी देखें 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गए और ये माइनस साइन रह गया और ये हो गया माइनस 1 ओवर एन। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू आ गई बी एन की। अब ए एन हमारा क्या है? पाई है। ए नॉट क्या है? 0 है। और बी नॉट क्या है? 1 ओवर माइनस 1 ओवर एन है। फार्मूला हमारा है, फार्मूला हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 ए नॉट की जगह क्या लिख लिया? पाई, प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी एंड 0। ए एन हमारा क्या था? ए एन हमारा था 0 इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है, प्लस बी एन हमारा क्या था? बी एन हमारा था माइनस 1 और एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको ओपन करना है। तो ये तो कॉस एन, तो अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने लिखना है पाई ओवर 2 प्लस समेशन ऑफ माइनस साइन एन एक्स, सिर्फ हमारा ये रह गया। माइनस भी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस एन है ना, तो ये हो गया माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन एंड दैट इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस। अब हमने इस समेशन को ओपन कर लिया। ठीक है, तो एन में हमने क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1 एक्स ओवर 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ माइनस है ना, तो हम माइनस माइनस लिखते जाएंगे। ठीक है, माइनस साइन 2 एक्स ओवर 2, ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट उसका पार्ट है, ये सेकेंड सीरीज का पार्ट है, ये थर्ड है, ये पार्ट्स हैं सारे सीरीज के। ठीक है, साइन 3 एक्स ओवर 3, ये जो n है ना हमारा, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने लिखना है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, क्योंकि आपको समेशन ओपन करना आता है ना, और समेशन मैंने उन्हें क्या कहा है कि n स्टार्ट किधर से हो रहा है? 1 से हो रहा है, और किधर तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने सिर्फ पहले 3 या 4 जो वो हैं सीरीज़ के पार्ट्स हैं वो हमने लिख लेने हैं, और उसके बाद हमने सो ऑन लगा के स्टॉप कर देना है। तो ये देखें, अब हमारे पास किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था? एक्स ओवर 2 था ना, तो डेट इज इक्वल टू पाई ओवर 2। अब ये देखें, यहाँ पे हर एक नंबर के साथ माइनस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस आता है, सॉरी माइनस। ठीक है, हर एक के साथ माइनस माइनस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर की जो भी वैल्यूज हैं उनके साथ हम क्या लगा देते हैं? उसके साथ हम प्लस लगा देते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस ये जो साइन 2x ओवर 2 है, उसको हमने सिर्फ लिख लिया 1 ओवर 2 साइन 2x। देखें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, या 2 इसके नीचे लिखें या 2 इधर सेपरेट लिख लें, प्लस 1 ओवर 3 साइन 3x एंड प्लस सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक सीरीज का आंसर हो गया। अच्छा, लेक्चर लेंथ ही हो गया, मैं आपको सिर्फ डिरिचलेट कंडीशंस के बारे में बता देती हूँ, उसके 3 कंडीशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं, और एक इसका एडवांटेज है वो मैं भी आपको बताती हूँ क्या क्या है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वो है एग्जांपल है वो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेक्चर है उसमें डिस्कस करती हूँ। ठीक है, डिरिचलेट कंडीशन में 3 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसको एक तो डिफाइन होना चाहिए, और दूसरा वो सिंगल वैल्यूड हो। सिंगल वैल्यूड की बात हमने पहले की थी, जब हमारा सर्कल होता है ना बिल्कुल, तो उसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस माइनस और माइनस प्लस की बात आ जाती है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ऐसा ना हो, हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो, जैसे कि ये देखें ये है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई फंक्शन है, या फिर ऐसा गया हुआ है, ठीक, या फिर ऐसे हैं, कैसे भी हो सकता है, लेकिन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए हमारा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या कर रहे हैं? दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि फंक्शन जो है वो या तो उसको कंटिन्यूस होना चाहिए, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होना चाहिए उसमें। अच्छा, हमने पढ़े थे मैकलॉरिन सीरीज, आई थिंक कि ये बात एमसीक्यूज़ में आ जाए, क्योंकि
लेक्चर में इस बात की बहुत ज़्यादा इसको बार बार बताया जा रहा था कि मैकलॉरिन सीरीज़ और फोरियर सीरीज़ में फ़र्क क्या है। तो मैकलॉरिन सीरीज़ जो है वो सिर्फ हमें हम यूज़ कर सकते थे, या वो डिफाइंड था सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए। मैकलॉरिन सीरीज़ कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए डिफाइंड था, जबकि ये जो फोरियर सीरीज़ हैं इसको हम डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं। अगर किसी फंक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटीज़ है ना, तो भी हम उसके लिए ये फंक्शन जो है ये बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूटीज़ को क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है मैकलॉरिन सीरीज़ में और ये फोरियर सीरीज़ में, कि फोरियर सीरीज़ जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी हम लिख सकते हैं, जबकि मैकलॉरिन सीरीज़ हम डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के लिए नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स मस्ट बी पीस वाइज कंटिन्यूस इन अ पीरियोडिक इंटरवल। जो एफ ऑफ एक्स है उसको क्या करना चाहिए कि पीरियोडिक इंटरवल में पीस वाइज जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक पीस से दूसरा पीस जब उसकी बात हो रही है तो उस हिसाब से उसको कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये तीन हमारी कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन जो है ये हो तो इट मींस कि हम उसके लिए उस फंक्शन के लिए मैकलॉरिन सीरीज़ डिफाइन सॉरी फोरियर सीरीज़ का फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। अगर नहीं तो हम उसके लिए फोरियर सीरीज़ का फंक्शन नहीं लिख सकते। अच्छा, इसके बाद अब हमने करना है एक और एग्जांपल करने और एक और छोटा सा टॉपिक रह गया, लेकिन चूँकि लेक्चर लेंथ हो गया तो उसका जो उसके एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट में होंगे, लेकिन काफ़ी डिटेल है और डिफरेंट है तो उसको भी मस्ट देख लीजिएगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मस्ट पूछें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंथ इसका क्वेश्चन है, एंड आई थिंक कि इसमें से मस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस इट वेल एंड यू शुड कीप योर प्रिपरेशन वेल फॉर दिस लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।